एमए कंप्लीट हुआ है, ऐसे समझ लीजिए एक आउटसाइड ही थे, लेकिन लिखना जो है मतलब कविता लिखना कहानियाँ ये हमको बेहद पसंद है। और जिंदगी क्या होते है, सुबह से लेकर शाम तक की सारी थकान जो है हम इस कहानी के माध्यम से करते हैं। और कहते हैं कि हर इंसान में हर चाहे वो 80 साल के हो चाहे उनमें एक बचपन छिपा रहता है, किसी न किसी कोने में एक छोटा सा वो बचपन रहता है। लोग हमेशा वो बचपन की यादें हमेशा ताज़ा रखते हैं और कहानियाँ सुनना और सुनाना हमको बेहद पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। और हम शुक्रगुजार हैं सर, वो तो है, हम शुक्रगुजार हैं बच्चों की जो कहानियाँ सुनते हैं, आगे उनसे के भी आपको कहानियाँ सुनेंगे। मैं जल्दी से पहले प्रभु दादा को फ्री करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के पूरे वर्कशॉप का डॉक्यूमेंटेशन वही करने वाले हैं। प्रभु दादा एक मिनट में आप अपना पहुँच जाएगा। हम तो यहाँ पर आपके साथ हैं, लेकिन हम जो मेरा शिक्षा जो है हम है मास्टर टीचर, क्योंकि काम कर रहे हैं कि जो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, वह है हम काम कर रहे हैं आपका जिसमें प्राइमरी सेगमेंट है ये, और ये आर्टिस्टल क्लस्टर को देख रहे हैं, ये इनका इमीडिएट प्रोफेशन है, बट ही इज अ राइटर, अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटर एंड ही इज द वन थिंग, इन्होंने कहा कि ये जियोलॉजी में एमएससी है, साथ में ये IIM कोलकाता से मार्केटिंग में मैनेजमेंट किया है इन्होंने आज से करीब 20 साल पहले। अभी जो जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, 21 years हो गया है एजुकेशन पर सेल्स एंड स्पेशली हम मेडिसिन के शुरुआत शुरू किए थे, लेकिन अभी काम कर रहे हैं आपका हेरिटेज के ऊपर। और लास्ट 20 years हम बोल रहा हूँ कि अब यहाँ के जितना भी हेरिटेज सेक्टर्स हैं यार एम बिया सभी पर मेरा ये फिक्र लगा है। एंड मेरा दो पब्लिकेशन हैं, एक है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिहार एंड अनदर है आपका पटना मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री, जो बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया है वो बिहार सरकार से छपे हैं 2008 में 2011 में, जिसमें और अपनी मेरे जो पब्लिकेशन बारे में बता चुके थे, जो कैंसर की पहली किताब है। और जो लोग नहीं जानते, पटना के लोग भी नहीं जानते हैं कि पटना में बाकी पूरे कॉलेज शामिल है, जो बाद में लाना को कोशिश हुआ है 1757 से शुरू हुआ था शामिल 1767 में कैंसर बनी थी, बाद में शिफ्ट किया 1767। लोग जानते हैं अभी तक बाकी कोई आपका नहीं है पहला पूरे कॉलेज का, जिसको हम कांग्रेस के हैं आगे भी हम सुनते रहेंगे इनसे। जॉय क्विकली एंड वी रिजिन विद द सेशन विद मीनाक्षी। तो मोस्ट फॉर्मल थिंग्स उन्होंने ऑलरेडी से, बट अदर देन दैट आई रियली लाइक स्टोरीज, दे हैव द पावर टू चेंज थिंग्स, लाइक एट टाइम्स व्हेन एज एन एडल्ट वी रियलाइज दैट ओ दिस स्टोरी हैज अफेक्टेड मी सो मच एज अ चाइल्ड एंड देन यू सी सो मच हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द स्टोरी। सो आई रियली बिलीव इन स्टोरीज एंड टेलिंग स्टोरीज, लिसनिंग स्टोरीज। मीनाक्षी झा बनर्जी मेरा नाम है, कहानी घर हमारा सबका है, हमने शुरू किया 4 साल पहले और पेशे से मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट मतलब पेंटर हूँ। तो मेरा काम ऐसे आप कहीं भी देख सकते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कलाकार ही है, बच्चों के साथ समय मिला। धन्यवाद आप लोग आने के लिए, कहानी शुरू करिए। Amen.